बजट 2024 सदन में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट केवल दो राज्यों के लिए है। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और स्पीकर ओम बिरला के बीच गहमा गहमी भी देखने को मिली, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि स्पीकर जब बोलता तो गलत नहीं बोलता। विपक्षी पार्टियां लगातार बजट का विरोध कर रही है और इसे पक्षपातपूर्ण बता रही है। कई सांसदों ने संसद के बाहर बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में केवल दो राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अस्थिर और कमजोर गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में केवल दो राज्यों के हितों का ध्यान रखा और अन्य सभी नागरिकों की अनदेखी की गई है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किया बजट जन विरोधी है और इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ एनडीए के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना और मुआवजा देना है। उन्होंने कहा बजट में कोई दृष्टिकोण और एजेंडा नहीं है, आम लोगों को कोई राहत नहीं है और बजट ने देश के 140 करोड़ लोगों की उपेक्षा की है। बैनर्जी ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे भाजपा के अहंकार और विभाजनकारी राजनीति की अस्वीकृति है। उन्होंने कहा कि यह एक डरावनी अस्थिर और कमजोर गठबंधन सरकार है जो जल्द ही नष्ट हो जाएगी। चर्चा के दौरान वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी भिड़ गए। अपने भाषण के दौरान अभिषेक ने आरोप लगाया कि केंद्र ने किसानों, किसान संगठनों या विपक्षी दलों के साथ बिना किसी परामर्श के कृषि बिल पारित कर दिया। इसी पर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दे। सदन में इस मुद्दे पर 5.5 घंटे तक चर्चा हुई। टीएमसी सांसद स्पीकर की बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में ओम बिरला ने दृढ़ता से कहा कि जब अध्यक्ष बोलते हैं तो वह सही बोलते हैं, आप खुद को सही करें। अभिषेक बैनर्जी ने अपनी बात पर अड़े रहने पर स्पीकर ने कहा कि जब मैं बोलता हूँ तो गलत नहीं बोलता। बैनर्जी ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर नागरिकों, किसानों, गृहिणियों, दैनिक वेतनभोगियों और कई अन्य लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया।